और मैं हूँ आपके साथ त्रिशला यादव। रुक करेंगे खबरों का। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के पर्व पर देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद लोगों को गैस सिलेंडर के बड़े दामों से राहत मिलेगी। वह इसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। हमारी एक खास रिपोर्ट। रक्षाबंधन पर मोदी सरकार का तोहफा, देश की बहनों को पीएम मोदी का गिफ्ट। अब 200 रुपए सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा। उज्ज्वला वाले सिलेंडर होंगे 400 रुपए सस्ते। भाई बहन के प्यार और अटूट रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री ने बहनों को बड़ा तोहफा दिया है। रक्षाबंधन के पर्व पर हर भाई अपनी बहन को तोहफे में कुछ न कुछ देते हैं, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत की बहन बेटियों को एक तोहफा दे दिया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए की कमी करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिन्हें ये गैस सिलेंडर 400 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई भी दी है। ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे, सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बहन बेटियों ने सरकार के इस निर्णय की जमकर तारीफ की है और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लेडीज के लिए तो भाई घर की चीजों से जरूरी और तो कुछ है नहीं। अगर हमें छूट मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है। रक्षाबंधन पर बहन बेटियों के लिए राज्य सरकारों ने भी तोहफों की बरसात कर दी है। कई राज्यों में बसों का किराया बिल्कुल माफ कर दिया गया है, तो वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और वह सीएम योगी ने कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थियों को रक्षाबंधन के मौके पर चेक बांटे। इस दौरान बच्चियों ने सीएम योगी को राखियां भी बांधी। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सबकी भावनाओं के प्रति पांच बालिकाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया संवाद, लाभार्थियों से सीएम योगी ने किया संवाद, बच्चियों ने बांधी सीएम को राखी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया रक्षा का वचन। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के हर सभा में दावे करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने उस वादे को दोहराया। ये बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों से संवाद में कही। इस दौरान छोटी बच्चियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ पर राखी भी बांधी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 29,530 लाभार्थी बालिकाओं के खातों में 582 करोड़ की धनराशि को हस्तांतरित किया और 10 लाभार्थियों को कार्यक्रम में चेक भी वितरित किए। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2,000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी बेटी में यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2,000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। बहुत अच्छी योजना है। मैं अपनी बच्ची को आगे चल के इसको इसके जो सपने हैं, जो मैंने सोचा है, मैं इसे जो कराना चाहती हूँ वो करवा लूंगी। अच्छी हेल्प मिल रही है इसकी वजह। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में शामिल कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थी कुछ बच्चियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के माथे पर तिलक लगाकर उनके हाथ पर राखियां बांधी। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उपहार भेंट कर रक्षा का वचन दिया। उन्होंने परिवहन निगम की बसों और सिटी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा के लाभ लेने को भी कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पीएम के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को एक नई ऊंचाई मिल रही है। पहले गांव में राशन कोटे की दुकानों का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। कहीं कोई विवाद हुआ तो हमने कहा भी देखो इसमें बहुत अनावश्यक कोई विवाद पालने की आवश्यकता नहीं,
गांव की महिला स्वयं सेवी समूह को ये कोटा सौंप दो, अपने आप कोटा चलाएंगे, जिससे एक सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा हमें सीएम योगी को राखी बांध के, और हमें उन्होंने ये सारा चेक दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर जहां पूरे देश में चर्चाएं हैं, तो वहीं पर रक्षाबंधन पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बच्चियों से राखियां बंधवाकर उन्हें रक्षा का वचन देना प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक संदेश के रूप में समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वकीलों का पारा हाई है। हापुड़ से शुरू हुए हंगामे ने पूरे प्रदेश के वकीलों को आक्रोशित कर दिया है।